अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की स्टूडियो में इंशाल्लाह हम लोग फिजिक्स का प्रैक्टिस टेस्ट एक्सप्लेन करेंगे, बेसिकली विच इज़ कंडक्टेड फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर फ्लूइड डायनामिक्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग तो उसे नाम होता हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग, आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास MCQ नंबर 1 है, कहता है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज़, तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है और एक मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सेकंड में कहता है कि व्हेन द बॉडी मूव्स विद द टर्मिनल वेलोसिटी द एक्सेलरेशन इन द बॉडी बिकम्स, तो जब हमारे पास कोई बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव करती है, ठीक है, हम लोगों ने बात की थी कि ये एक मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, तो उस वक्त हमारे पास उस बॉडी की, ठीक है, जो एक्सेलरेशन होती है वो ज़ीरो हो जाती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। थर्ड में कहता है कि टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बेसिकली हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द डिस्टेंस टू द डायमीटर ऑफ द बॉडी, ठीक है, स्केल ऑफ डायमीटर ऑफ द बॉडी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फोर्थ में कहता है कि द फ्लो ऑफ द आइडियल फ्लूड इज ऑलवेज, तो हमारे पास जो आइडियल फ्लूड है वो हमेशा जो है वो उसकी जो उसका जो फ्लो होता है वो स्ट्रीम लाइन होता है, ठीक है, एक प्रॉपर फ्लो होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिफ्थ में कहता है कि द ड्रैग फोर्स इज गिवन बाय, तो आप लोगों के पास जो स्ट्रोक्स ला था उसने जो है वो ड्रैग फोर्स के बारे में जो है वो बताया था या एक्सप्लेन किया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिक्स में कहता है कि व्हेन द फ्लूड इज इनकम्प्रेसिबल, तो जब भी आप लोगों के पास फ्लूड इनकम्प्रेसिबल होगा तो उसकी डेंसिटी जो है वो कॉन्स्टेंट होगी, आप लोग हमेशा अपने जहन में रखो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेवन में कहता है कि इररेगुलर फ्लो ऑफ द फ्लूड इज कॉल्ड, तो इररेगुलर फ्लो को हम लोग जो है वो टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, और जो आप लोगों के पास रेगुलर फ्लो होता है उसको हम लोग जो है वो लैमिनर फ्लो कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एट्थ में कहते हैं कि अकॉर्डिंग द इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी A1V1 इज इक्वल टू A2V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर हमारे पास द कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू, हमारे पास वो जो कॉन्स्टेंट है वो फ्लो रेट के इक्वल होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आप लोग इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए बूट्स एंड मैरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लोगों को वो कहता है कि आप लोग फ्लो रेट फाइंड करो तो आप लोग फिर ये वाला रिलेशन यूज़ करोगे A1V1 इज इक्वल टू A2V2, या फिर अगर आप लोगों को जो है वो A1V1 दे देता है और A2 भी दे देता है और वो कहता है कि आप लोग V2 फाइंड करो तो आप लोग फिर भी इस रिलेशन को यूज़ करोगे, ठीक है। तो हमेशा फिजिक्स में आप लोग इस तरह की चीज़ों को क्रिटिकली सोचा करो, ठीक है। नेक्स्ट नाइन्थ में कहता है कि द इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो आप लोगों के पास जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड करती है या बेस करती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। टेंथ में कहता है कि वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इंक्रीजेस विद द प्रेशर, तो जब हमारे पास जो है वो प्रेशर जो है वो लो होता है तो हमारे पास जो है वो जो फ्लूइड की वेलोसिटी होती है वो हमारे पास इंक्रीज करती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अलावा में कहता है कि स्पीड ऑफ द ईफ्लक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग, तो हम लोग जो है वो अगर स्पीड ऑफ ईफ्लक्स फाइंड करनी हो तो हम लोग जो है वो टोरिसल्स थ्योरम यूज़ करेंगे। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ट्वेल्थ में कहता है कि अ मैन स्टैंडिंग नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन, तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है एक फास्ट मूविंग ट्रेन के बिल्कुल नज़दीक खड़ा है तो वो ट्रेन की तरफ जो है वो गिरेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सारा जो वेलोसिटी है या सारी वो एयर है वो उस साइड की तरफ होगी, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 13 में कहता है कि हमारे पास टू ड्रॉपलेट्स हैव द रेडियस 2:3, देयर टर्मिनल वेलोसिटीज आर, तो आप लोग हमेशा अपने ध्यान में रखो कि हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है किसी भी ड्रॉपलेट की इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट्स, तो सिंपल आप लोग 2 का भी स्केल ले लोगे और 3 का भी स्केल ले लोगे, आप लोगों के पास है 4:9 जो है वो 9 आंसर आएगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 14 में कहता है कि हमारे पास बर्नौलीज़ इक्वेशन इज़ ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो बेसिकली आप लोगों के पास जो बर्नौलीज़ इक्वेशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड करती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये जो कंजर्वेशन और इस तरह की चीज़ें हैं ये MCQ आते हैं, ठीक है, फ्राडिला के इस पर बेस करता है। अब जिस तरह हम लोगों ने इस चैप्टर में दो चीज़ें पढ़ी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का कि वो किस पर बेस करती है, बर्नौलीज़ इक्वेशन किस पर बेस करती है, तो यहाँ से एक MCQ आप लोगों के पास लाजमी होता है, ठीक है। सो आप लोग इस तरह के पॉइंट्स को अपने पास नोट करो, जहाँ जहाँ पर भी हैं यहाँ से एक MCQ होता है, ठीक है। नेक्स्ट 15 में कहता है हमारे पास स्ट्रोक्स लॉ इज एप्लीकेबल इफ़ द बॉडी हैज़ स्फेरिकल शेप, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 16 में कहता है कि 1 tar इज इक्वल्स टू, आप लोगों के पास जो 1 tar होता है वो 133.3 न्यूटन मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 17 में कहता है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर, तो उसको हम लोग जो है वो स्विग्मो मैनोमीटर कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 18 में कहते हैं द इफेक्ट ऑफ द
डिक्रीज इन द प्रेशर विद द इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द फ्लूड इन द हॉरिजॉन्टल पाइप, तो उसको हम लोग जो है वो वेंटोरी इफेक्ट कहते हैं. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. 19 में कहता है कि हमारे पास आइडियल फ्लूड हमारे पास जो होता है वो नॉन विस्कस होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, और वो उसका जो फ्लो होता है वो स्टडी फ्लो होता है. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. ठीक है, पोजेस ऑल प्रॉपर्टीज़, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आइडियल फ्लूड की होती होती हैं. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. 20 में कहते हैं हमारे पास लैमिनर फ्लो यूजली अकर्स एट स्पेसिफिक, हमारे पास जब स्पीड जो है वो आप लोगों के पास लो हो तो फ्लूड जो है वो उसका लैमिनर फ्लो होता है. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. 21 में कहते हैं कि फॉर द डैश फ्लो द पाथ ऑफ द फ्लूड पार्टिकल्स कैन नॉट बी ट्रैक्ड, तो हम लोग अगर फ्लूड जो है वो टर्बुलेंट फ्लो हो, मींस इरेगुलर फ्लो हो, तो हम लोग उसका पाथ जो है वो उसको ट्रैक नहीं कर सकते. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. 22nd में कहते हैं कि हमारे पास सिग्मोमैनोमीटर मेजर्स द ब्लड प्रेशर, हमारे पास वो डायनामिकली जो है वो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. 23rd में कहते हैं कि हमारे पास द ब्लड फ्लो इज डैश फ्लो एट द सिस्टोलिक प्रेशर, तो सिस्टोलिक प्रेशर पे आप लोगों के पास जो ब्लड फ्लो होता है वो लैमिनर ब्लड फ्लो होता है. ठीक है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है उसकी. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. 24 में कहते हैं हमारे पास बर्नौलीज़ इक्वेशन इज़ एप्लीकेबल फॉर, तो आप लोगों के पास जो बर्नौलीज़ इक्वेशन है वो लैमिनर फ्लो पर भी और टर्बुलेंट फ्लो पर भी जो है वो एप्लीकेबल है. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. 25th में कहते हैं द डेंसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज़ नियरली इक्वल्स टू, तो डेंसिटी जो है वो आप लोगों के पास ह्यूमन ब्लड की जो है वो नियरली इक्वल्स होती है वाटर के साथ. अच्छा, यहाँ से आप लोगों को इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके भी दे सकते हैं. हो सकता है कि वो ये जो स्टेटमेंट उसने दी हुई है वो आप लोगों को जो है वो आधी स्टेटमेंट दे, मीन्स वो इस तरह भी पूछ सकता है कि द डेंसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज़, फिर ऑप्शन में आपको दे सकता है कि इक्वल्स टू, नियरली इक्वल्स टू वाटर, ग्रेटर देन वाटर, लेस देन वाटर, तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है. इसमें आप लोगों ने इस नियरली इक्वल को अपने ध्यान में रखना है. ठीक है, कि उसकी वाटर के साथ नियरली इक्वल्स जो है वो होती है डेंसिटी होती है या विस्कोसिटी होती है. ठीक है, एक ही चीज़ है. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. सो ये था आप लोगों के पास चैप्टर फ्लूइड डायनामिक्स. उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा. कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो. थैंक यू.